हम सब तो चले जाते हैं बच्चा और साथ नहीं, वहाँ कोना में दो चार दिन का कचरा लग रहा है, साफ नहीं होता है। साफ होता है, बच्चा रहबे नहीं करता है तो क्यों साफ करेगा? बच्चा साफ करेगा? नहीं तो कौन साफ करेगा? शिक्षक मिलता है। सबसे पहले ये बताइए, हम तो टीटी करके आए थे, हमको ये पता नहीं था। हमको पता था कि स्कूल में जाएंगे बच्चे को पढ़ाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर आया तो पहले देखा कि सिंगल एक मैडम थी, वो ऑफिस को भी ऐसे ही प्लास्टर वस्तर कुछ नहीं बना था, ऐसे ही भवन बना हुआ था। मैं जहाँ तक हुआ, मैंने पूरा 13 से अभी तक हूँ, 21 है, पूरा भवन का रंगा पेंट किया, सब कुछ किया। पढ़ाई को भी अपने स्तर से हर क्लास को बैठ कर देखता हूँ, मैडम को पूरा जितना बच्चा रहता है उनसे 3 तक के ओपन देखती है। उसके बाद प्रभार में मुझको ही भेजना पड़ता ब्लॉक, जो भी खिचड़ी का रिपोर्ट करना हो, पोशाक छात्रवृत्ति मिलता तो है सबको, सारा चीज़ हम कर रहे हैं। अच्छा, मैंने अपने से सब करे। रही बात पढ़ाई की, तो ऐसे ही कोरोना से 2 साल से लिंक टूट गया, बच्चा का सबका लिंक टूट गया है। जैसे कल भी आए बच्चे को बोला कि स्कूल खुल चुका है, तो 10 बच्चा भी पहुँचा। तो अब हम आए हैं वर्ग 2 में, यहाँ पर गिने चुने आपको 3-3-6 बच्चे दिख रहे होंगे। कॉपी किताब, क्या नाम है? नाम रितु कुमार। रितु कुमारी, कौन क्लास में हो? दूसरा में। दो का टेबल आता है, दो का पहाड़ा पढ़ती हो? सुनाओ। 2 क्लास में 2 का पहाड़ा नहीं सीखी है? नहीं। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, और क्वालिटी एजुकेशन ये बात की जाती है बिहार में, और बिहार का एजुकेशन सिस्टम में कितनी ज्यादा क्वालिटी है ये आई थिंक आप जानते हैं। बाकी एक स्कूल है, पीछे नाम देख लीजिए, नया प्राथमिक विद्यालय सलखनिया जमानिया, और प्रखंड जो है वो बाबू बरही प्रखंड है, जिला है मधुबनी। और इसी बीच हम पहुंचे हैं स्कूल में, 1 से लेकर 5 तक का स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है। और यहाँ के जो लोग थे वो स्कूल का जो है वो उसके बारे में बता रहे थे कि स्कूल में 2 टीचर हैं और बच्चे लगभग 150 हैं, और वो 2 टीचर मिलके 150 बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे ये हम जानने पहुँचे हैं इस स्कूल में, और जानेंगे कि कैसी पढ़ाई होती है, और बाकी जो गाँव के लोग शिकायत कर रहे हैं उसमें कितनी ज़्यादा सच्चाई है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, नाम क्या हुआ आपका? संजीव कुमार। कब से हैं स्कूल में, कब से पढ़ा रहे हैं? 2013 से। 2013 से पढ़ा रहे हैं। यहाँ के गांव के जो लोग हैं उन लोग स्कूल के बारे में बता रहे थे कि 150 बच्चे पे 2 शिक्षक हैं, 2 ही शिक्षक। सही बात बता रहे हैं। कैसे मैनेज करते हैं 150 बच्चों को आप लोग? करना पड़ता है, 2 ही आदमी है, सब बच्चा को देखना पड़ता है, 4 बजे तक देखते हैं। जैसे बहाली कब हुआ आपका? हमारा 13 में हुआ है, टीटी करके आए हैं। अच्छा, टीटी करके आए हैं। हालत तो बड़ा खराब कर दिया है सरकार, बहाली में आना कहानी, इतना ज्यादा रिक्त पद रहता है और बच्चा लोग को इतना कम शिक्षक मिलता है। सबसे पहले ये बताइए, हम तो टीटी करके आए थे, हमको ये पता नहीं था। हमको पता था कि स्कूल में जाएंगे बच्चे को पढ़ाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर आया तो पहले देखा कि सिंगल एक मैडम थी, वो ऑफिस को भी ऐसे ही प्लास्टर वस्तर कुछ नहीं बना था, ऐसे ही भवन बना हुआ था। मैं जहाँ तक हुआ, मैंने पूरा 13 से अभी तक हूँ, 21 है, पूरा भवन का रंगा पेंट किया, सब कुछ किया। पढ़ाई को भी अपने स्तर से हर क्लास को बैठ कर देखता हूँ, मैडम को पूरा जितना बच्चा रहता है उनसे 3 तक के ओपन देखती है। उसके बाद प्रभार में मुझको ही भेजना पड़ता ब्लॉक, जो भी खिचड़ी का रिपोर्ट करना हो, पोशाक छात्रवृत्ति मिलता तो है सबको, सारा चीज़ हम कर रहे हैं। अच्छा, मैंने अपने से सब करे। रही बात पढ़ाई की, तो ऐसे ही कोरोना से 2 साल से लिंक टूट गया, बच्चा का सबका लिंक टूट गया है। जैसे कल भी आए बच्चे को बोला कि स्कूल खुल चुका है, तो 10 बच्चा भी पहुँचा। आज 10 ही बच्चे आए? 10 बच्चे। कितने बच्चे? बच्चे तो अभी 120 है, जब से अटेंडेंस बनता है रोज बनता है। दिखाइएगा रजिस्टर एक बार हमको। अभी भी रजिस्टर के बता देते, अभी मैडम से पूछ रही थी, क्योंकि हम प्रभार मार ले लिए इनसे, तो बोले तो 10 बच्चा में क्या हाजिरी बना, में हम थोड़ा और वेट की लीजिए, थोड़ा देख लेते हैं, उसके हिसाब से बना देंगे हाजिरी। अच्छा, अभी तक आप लोग इंतजार कर रहे हैं? इंतजारे में थे हम लोग। और बच्चे आएंगे? टाइम टेबल नहीं है कोई? टाइम टेबल है, इंतजार इसलिए कर रहे थे, एकाएक जहाँ 100 बच्चा रहते थे आज 10 बच्चा है, इसमें हम लोग भी सस्पेंशन में हाजिरी कितना बना दें, आगे फिर रिपोर्ट करना पड़ता है, इसीलिए हम लोग रुके हुए हैं। इसीलिए आप लोग रुके हुए। बताइए तो मैडम, शीला कुमारी, कब से हैं स्कूल में? 2007 से। 2007 से बहाली? 2007। 2007 में जब से बहाली हुआ तब से यहीं हैं आप? जी। स्कूल में कितना तरक्की देखी है आप? अकेले पढ़ा रही हैं, कैसे होता है मैनेज? मैनेज करना पड़ता है, करना पड़ता है। किस किस क्लास को पढ़ाती हैं? 1 से 3 तक। 1, 2, 3 जी। अलग अलग क्लासरूम है? हाँ, अलग अलग है। आज 10 ही बच्चा है? 10 ही बच्चा। तो बच्चों को जागरूक नहीं करती हैं स्कूल आने के लिए? यहाँ का गार्जियन लोग नहीं करते हैं ना? तो करते हैं जी। बच्चा रहता है पूरा भरपूर भरा रहता था। एक आज ही वैसा दिन है जो बच्चा नहीं, बरसात जो हुआ 2 दिन ना, बच्चा का पता नहीं चला कि स्कूल आया। अभी इलेक्शन का बाजा बज रहा है, छोटा बच्चा है, सब उसी दौड़ जाता है उधर इलेक्शन के। हाँ, उधर डोलोखर का भी आ रहा है, इधर बाबूबड़ी का भी प्रचार शुरू हो चुका है कल से, वैसी में सब है। फिर भी हम कोशिश किए थे 10 के लाए, फिर भेजे कह सर आज कोई नहीं आएगा, तो हम लोग ऐसे ही बैठे हुए। इसी कारण हाजिरी बोले कितना बना दें, हम सब 500 बना दें, कैसे बनाइए, बच्चा तो है नहीं।
तो टिफिन तक देख लेते, टिफिन के बाद हाजिरी बना। टिफिन कितने बजे होती है? 12:30 बजे। चलिए, तो ये मैडम जो कह रही हैं, ये 1 से लेकर क्लास 3 तक के बच्चों को पढ़ाती हैं, और ये हम प्रवेश कर रहे हैं वर्ग 2 में। तो अब हम आए हैं वर्ग 2 में, यहाँ पर गिने चुने आपको 3-3, 6 बच्चे दिख रहे होंगे। कॉपी किताब, क्या नाम है? है? नाम? रितु कुमार। रितु कुमारी, कौन क्लास में हो? दूसरा। दूसरा में? 2 का टेबल आता है, 2 का पहाड़ा पढ़ती हो, सुनाओ। 2 क्लास में 2 का पहाड़ा नहीं सीखी है? कमजोर है। तुमको आता है 2 का पहाड़ा? क्यों? 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 10, 2 × 8 = 16, 2 × 16 = 9। 3 का आता है? 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 9, 3 × 5 = 9, 3 × 6 = 9, 3 × 7 = 9, 3 × 8 = 9, 3 × 9 = 10। ठीक, तुम्हारा नाम क्या है बाबू? नीतू। जोर से बोलो। नीतू कुमारी। नीतू। एप्पल का स्पेलिंग जानती हो? बोलो। 2 में पढ़ती हो, एप्पल का स्पेलिंग नहीं जानती हो? A4 क्या होता है? नहीं, वो तो पहला में है। ये पहला में है, तो वर्ग 2 में बैठी है? बच्चा नहीं ना है। क्या? अच्छा, क्या क्या सिलेबस है? सिलेबस है कोई आपके पास? क्या सिलेबस तो है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाती है जी। उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाती है, तो कैसे बच्चा लोग नहीं जान रहा है मैडम? नहीं तो बच्चा 2 साल से नहीं ना आते थे, इसलिए सब लेट जी जी। अच्छा। बच्चा तो दोनों रूम पूरा फुल रहता था, अभी नहीं आते हैं। आप क्या पढ़ाती हैं? हम हिंदी और गणित, जोड़ घटाव गुणा, यह सब पढ़ाते हैं। पहला दूसरा तीसरा बच्चा क्या पढ़ते हैं नहीं बूझते हैं। हिंदी और गुणा, तो अंग्रेजी अंग्रेजी ऐसा पढ़ाने वाला कोई टीचर नहीं है? सर पढ़ाते हैं। चलिए, वर्ग में 6 ही बच्चे हैं और बच्चे नहीं है, हाँ नहीं, हम वो हम छोड़ रहे हैं हम। सर, आपकी कोई गलती नहीं है, ये शिक्षा व्यवस्था को दिखाना जरूरी है। इसमें आपकी आपकी ना कोई आपकी शिकायत है, ना ही मैडम की शिकायत है। थोड़ा सा हट जाइए और अब इस वर्ग को दिखा दीजिए। यहाँ वर्ग 5 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ बच्चे नहीं है, पूरा खाली है। अब हम आपको बता देते हैं कि खाली रहने के पीछे का कारण क्या है। 2 साल से डिस्टर्ब था पढ़ाई कोरोना को लेकर के, और अभी इधर फेस्टिवल सीजन चल रहा है, और अभी भी इनका कहना है कि लगातार बिहार में बारिश हो रही थी, जैसा कि आपको पता है अलर्ट कर दिया गया था, उसकी वजह से आज बच्चे नहीं हैं। जो बच्चे थे उनसे हमने आपको रूबरू कराया। एक बार तारीफ करनी होगी बिहार की शिक्षा व्यवस्था की और यहाँ के सरकारी स्कूल की, जो हमेशा ही कटघरे में होते हैं, और मुनासिब है होना, क्योंकि जहाँ भी आप चले जाइए सरकारी स्कूल में, वहाँ पर ना तो अच्छे से बच्चे दिखते हैं पढ़ते हुए, और ना ही शिक्षक। और शिक्षक ये कहते हैं, उनका दलील ये रहता है कि हम लोगों को पता ही नहीं रहता है कि हम लोग को पढ़ाने के अलावा भी इतना सारा काम दे दिया जाएगा। अब यही शिक्षक है जो ये हमको बता रहे थे कि इलेक्शन का भी काम दिया गया। आप ही बता रहे थे हमको करके आए रेखा से, अब फिर अंदर खड़े जाना है। आपको पता था कि आप जब स्कूल में टीचर के पद पर जाएंगे? वही बोले थे ना, जब हम ट्यूटी क्वालिफाई किए, ट्रेनिंग करके ट्यूटी करके आए, तो सोचे थे कहीं टीचर बनेंगे, बच्चों को अच्छा ज्ञान देंगे। चूंकि हम इससे पहले 10 साल स्कूल प्राइवेट चला रहे थे, यहाँ आने तो हम बहुत खुशी थे, लेकिन आने आते ही हमको पता नहीं था कि हम खिचड़ी पका खिलाना पड़ेगा, ऑफिस मैनेज करना पड़ेगा। आप लोग खिचड़ी भी पकाते हैं खुद से? पकाते नहीं, सारा मेंटेन हमको करना पड़ता है, गैस कैसे आएगा, जल सब्जी कैसे आएगा। इलेक्शन में क्या काम दिया गया है? इलेक्शन में P1 का ड्यूटी है। अच्छा, P1 में करते हैं, सबसे पहले हमको ही आना पड़ता है। उधर चले जाते होंगे, यहाँ पे सिर्फ मैडम बचती हूँ। अकेले मैडम को छोड़ के जाना पड़ता है। अब बताइए, यहाँ पे शिक्षक जो बैठे हैं यही कह रहे हैं कि इनको पता ही नहीं था कि शिक्षक का जब पद दे दिया जाएगा तो उसके बाद इनको इतना सारा सरकारी काम में फंसा दिया जाएगा। खिचड़ी बनाने से लेकर के इलेक्शन तक का जिम्मेवारी अगर आप इनको दीजिएगा तो बच्चा को पढ़ाएगा कौन? क्योंकि बात होती है सफाई की, तो स्कूल के प्रांगण में इस तरह से कचरा भी रखा हुआ होता है, बाथरूम भी गंदा है। इसकी भी कम इसका भी जो शिकायत है वो यहाँ के लोगों ने किया है। बाथरूम भी देखेंगे कि उसका हालचाल क्या है, लेकिन सफाई क्यों नहीं हुआ इसका जवाब मैडम देंगी। मैडम, कचरा कहाँ है कोना में लगा हुआ? हम सब तो चले जाते हैं, बच्चा और नहीं, वहाँ कोना में 2-4 दिन का कचरा लग रहा है, साफ नहीं होता है? साफ होता है, बच्चा रहबे नहीं करता है तो कौन साफ करेगा? बच्चा साफ करेगा? नहीं तो कौन साफ करेगा? सफाई कौन करता है? सफाई तो रसोईया करते हैं ना। तो रसोईया साफ? रसोईया नहीं आते हैं अभी। अभी नहीं आते हैं तो बच्चे लोग खा के सराय नहीं मिलता है? नहीं, अभी खाना बंद है। अभी खाना पीना खाना हाँ खाना बंद है। पैन रुक नहीं देने के दो दिया रखती है ये ताला मारे खुदा वाला खाए या वो इतना खाने हटी हटी भैया हटी, हम बना रहे हैं।